Hello dear students, my name is Sudhir Kumar. Now today I am going to solve the practice set of modal verb. Okay, हम लोग इस वीडियो को हम लोग इस प्रॉब्लम को हम लोग वन बाय वन करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. और आप लोग से पहले क्या कीजिएगा कि आप लोग पहले इस वीडियो को रोक करके पॉज करके आप लोग पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा. उसके बाद फिर हम लोग इसको और फिर आप लोग मैच कीजिएगा कि कौन सही है, कितना आप लोग सही सॉल्व कर पा रहे हैं. ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th के बच्चों को, क्लास 9th के बच्चों को जो सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड में जो पढ़ते हैं, ये स्पेशली उन बच्चों को वीडियो काफी ये हेल्प करने वाली है. इसीलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कीजिए. उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद फिर मैं जो बनाऊंगा उसके बाद फिर आप लोग इसको मैच कीजिएगा और देखिए कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए वीडियो को रोक करके. नाउ मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं. सो नाउ फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, आई डू इट फॉर यू में होगा या कैन होगा. फर्स्ट सेंटेंस में क्या होगा आपका, में होगा कि कैन होगा, क्या होगा आपका सेंटेंस में, ध्यान से समझिएगा. तो आपका क्या बोल रहा है, मे आई डू इट फॉर यू, सेंटेंस को ध्यान समझिए. शो क्या कर रहा है आपका, परमिशन शो कर रहा है या एबिलिटी शो कर रही है आपकी, ध्यान से समझिएगा. मे और कैन का आपने अगर मॉडल पढ़ा होगा तो परमिशन के लिए मे का भी यूज होता है और कैन का भी यूज होता है, दोनों का यूज होता है. लेकिन यहां पर जो बेस्ट जो परमिशन का जो वर्ड होता है, बेस्ट परमिशन का वर्ड कौन सा होता है, इस चीज को हमें समझना था. बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मे कैन का, ये परमिशन का जब कभी भी यूज पूछा जाता है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मे का यूज करें कि कैन का यूज करें. आज आप लोगों को कोशिश करेंगे कि मे और कैन के बीच का जो परमिशन का जो है, इस डिफरेंसेस को मैं क्लियर में कर दूं आप लोगों को. सो ध्यान से समझिएगा, ये जो मे आपका वर्ड है, जो बेस्ट जो आंसर है, जो बेस्ट वर्ड है परमिशन के लिए, जो बेस्ट वर्ड होता है परमिशन के लिए, वो होता है मे. मे एक पोलाइटनेस शो करता है. मे वर्ड परमिशन के सबसे बेस्ट वर्ड माना जाता है. हम जब कभी भी मे और कैन दोनों साथ में वर्ड रहेगा और परमिशन सेंटेंस परमिशन शो करेगा, यू हैव टू यूज मे. आपको मे का यूज आपको करना है. लेकिन ध्यान दे, कैन का यूज भी परमिशन के रूप में होता है. कहां होता है इस चीज को हम लोग समझेंगे बाद में, मैं उसको भी मैं समझा दूंगा मैं कि कैन का यूज परमिशन में कहां करते हैं और कहां नहीं करते हैं. इसके बीच के डिफरेंसेस को मैं क्लियर में कर दूंगा आपको. ठीक है, सो यहां पर जो आपका बेस्ट, ध्यान से मैंने फिर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से मैं बोल रहा हूं आपको कि ये सेंटेंस आपका परमिशन शो कर रहा है और परमिशन का जो सबसे बेस्ट वर्ड माना जाता है, हम लोग मे को मानते हैं कैन को. कैन भी परमिशन शो करता है. लेकिन जब कभी भी मे और कैन में आपको चुनना हो तो, और सेंटेंस परमिशन शो कर रहा हो तो आपको मे को ही प्रेफर करना है. इस बात का ध्यान दीजिएगा. मैं कैन को परमिशन शो करता है, लेकिन जब आपको मे और कैन में से जब आपको चुनना हो तो आप मे को सही आंसर कीजिएगा. क्लियर हो गया. सो मे आई डू इट फॉर यू. ओके, नाउ द सेकेंड सेंटेंस इज सी. और आपके 10th के एग्जामिनेशन में, 9th के एग्जामिनेशन में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं मॉडल वर्ब के. जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आसान क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि आसान क्वेश्चन हमें वो उसमें हम कंफ्यूज नहीं हो जाए. डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में. ठीक है, सो सी डू ऑल दिस वर्क अलोन. सो अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए कि सेंटेंस में क्या शो कर रहा है. She will do this work alone. Yes, she can do this work alone. Sentence best answer क्या show कर रहा है? Sentence क्या show कर रहा है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो can है, can आपका क्या show करता है? Can आपकी ability show करती है. क्या show करती है? Can आपकी ability, आपकी क्षमता को बताती है कि आपके अंदर कितने आप able हैं. और जिस sentence में, ध्यान समझे बच्चों, जिस sentence में आपका एबिलिटी की बात होगी, जिस सेंटेंस में एबिलिटी की बात होगी, वहां पर हम लोग आंख मूंद कर हम लोग कैन की ओर जाएंगे, हम लोग विल की ओर नहीं जाएंगे. इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग. क्लियर हो गया. नाउ द थर्ड सेंटेंस, कैन आपका एबिलिटी शो करता है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको मे और कैन के बीच का परमिशन का डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा. वेट एंड हैव पेशेंस. नाउ
थर्ड सेंटेंस आपका क्या कहता है, ही कम टूडे, ही विल कम टूडे या ही शैल कम टूडे, ध्यान समझिएगा। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने मॉडल पढ़ा दिया है, अगर नहीं पढ़े तो एक बार फिर से जाकर देख लीजिए, नहीं तो मेरे ही कुछ वीडियो हैं प्रीवियस में, मैंने कुछ साल पहले मैंने डाले हुई थी, उसको भी देख सकते हैं आप। आप लोग जानते हैं कि ही के साथ जब फ्यूचर टाइम जब शो करना रहेगा तो ही के साथ हम लोग विल का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ध्यान समझिएगा, ही के साथ विल का हम लोग फ्यूचर टाइम में यूज करते हैं, लेकिन ही के साथ शैल का भी यूज होता है, लेकिन केस अलग है, ध्यान समझिएगा। सभी केस में हम लोग ही के साथ शैल का यूज नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन जब कभी भी फ्यूचर टाइम शो करेगा ही के साथ आपको थर्ड पर्सन विल का यूज करना है, इसका केस अलग है, वो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको जब देखिएगा कभी भी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जब कभी भी आपको शैल का यूज करना हो, उसका केस क्या है आपका, इसको समझिएगा। सेकेंड पर्सन जितने भी आप क्या कहते हैं, जैसे यू, ही, सी, इट, दे, इस सबके साथ कभी भी अगर आपको शैल का आपको यूज करना हो, शैल का अगर आपको यूज करना हो, तो हमेशा एक ट्रिक आप याद रखिएगा, इसी ट्रिक से एकदम बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको याद रखना है। क्या है आपको, कौन सा ट्रिक आपको याद रखना है, आपको PTCD, ये आपको ट्रिक याद करना है, PTCD बस माइंड में रख लीजिए, PTCD, और एकदम जहां पर देखिए PTCD वहां पर लगा दीजिए, इन सभी के साथ में आप लगा दीजिए, क्या सेल लगा दीजिए आप, इन सभी के साथ में आप सेल का यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको ये PTCD दिखाई दे। अब ये PTCD क्या है इसको समझना है, P स्टैंड फॉर प्रॉमिस। अगर कोई सेंटेंस आपका प्रॉमिस शो करता हो, अगर कोई सेंटेंस प्रॉमिस शो करता हो और इन सभी सब्जेक्ट में से दिया हुआ हो, तो आप आंख मूंद करके आप क्या यूज करेंगे, आप सेल का आप यूज करेंगे, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आप इन सभी सब्जेक्ट के साथ में आप सेल का यूज करेंगे, जब सेंटेंस प्रॉमिस शो करेगा, जब सेंटेंस थ्रेट शो करेगा, जब सेंटेंस कमांड शो करेगा, जब सेंटेंस डिटर्मिनेशन शो करेगा, ये सभी जब शो करेंगे आपके PTCD जब शो करेगा, तो आपको आंख मूंद करके इन सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको सेल का यूज करना है। आपको क्लियर हो गया, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है बच्चों। इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ही के साथ, यू के साथ सेल का यूज कहां करेंगे, तो इस केस में हम लोग करेंगे। यदि कोई सेंटेंस आपका ये सब शो करेगा, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दे देता हूं, एग्जाम्पल देख लीजिए, एक सेंटेंस मैंने जनरल वे में आपको समझाने के लिए मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, ही शैल किल यू, ही शैल या ही किल यू इफ यू अब्यूज हिम। चलिए एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, मैंने ही विल या ही शैल किल यू इफ यू अब्यूज मी, ये आपका क्या शो कर रहा है, ये आपका सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, ये सेंटेंस आपका क्या शो कर रहा है, क्या ये प्रॉमिस शो कर रहा है, क्या ये कमांड शो कर रहा है, क्या ये डिटर्मिनेशन क्या शो कर रहा है, तो आप लोग ये देख रहे हैं कि ये सेंटेंस है कि धमकी है, ये थ्रेट है। ये जब थ्रेट की बात आएगी तो हम लोग सेल का हम लोग यूज करेंगे, ही शैल किल यू इफ यू अब्यूज हिम, यदि आपने उसे गाली दिया तो आपको मार देगा वो आपको। तो ये इस कंडीशन में कोई सेंटेंस अगर आपका ये शो करेगा, तो आपको क्या करना है, ये सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको शैल का आपको यूज करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं। खैर आप लोगों से इससे 9-10 के एग्जामिनेशन में इस पोर्शन से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, उम्मीद करते हैं, मतलब इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके, ठीक है, वो जब भी रहेंगे तो जनरल सेंटेंस रहते हैं, तो आपको जनरल पर ज्यादा पहले आप लोग एग्जाम आप लोगों को निकालना है, तो आप लोग को आसान आसान सेंटेंस पर फोकस करना है। नाउ क्लियर हो गया आपका, ये आपका सुनाओ नाउ, इसमें बताइए, देखिए इसमें क्या होगा आपका, यू सक्सीड इन लाइफ, इस सेंटेंस को देखिए, नंबर 4 सेंटेंस को ध्यान से देखिए, जब कभी भी ये साइन आपको दिखाई देगा, जब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का जब कभी आप साइन देखिएगा, तो हमेशा साइन देख करके आपको क्या यूज करना है, आपको
मेक आप यूज करेंगे, कैन का यूज नहीं करेंगे आपको। क्लियर हो गई? नाउ मे यू सक्सीड इन लाइफ, अगेन आप देखिए नीड नीचे वाले सेंटेंस में गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जब कभी भी ब्लेसिंग्स की बात होगी आपको ये साइन आपको दिखेगा, आपको क्या यूज करना है, आपको मे का आपको यूज करना है, कैन का आपको यूज नहीं करेंगे। नाउ द सिक्स सेंटेंस, नंबर सिक्स सेंटेंस देखिए ये आपका आई बी ऑब्लाइज टू यू। इस सेंटेंस में क्या होगा आपका, शैल बी होगा या विल बी होगा, क्या होगा इसको ध्यान से समझिएगा। शैल बी या विल बी, हमेशा बच्चों इस बात को देखिएगा, जहां कहीं भी आपका ऑब्लाइज वर्ड रहेगा, ग्रेटफुल रहेगा, ऐसे भी कुछ रहेंगे आपको, आई के साथ हमेशा आपको आई शैल बी का यूज करना है, न कि आपको आई विल बी का करना है। एप्लीकेशन लिखते हैं आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू, ऑब्लाइज अपने बाद ध्यान से इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑब्लाइज अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है, इस बात को मत भूलिएगा, इस बात को मत भूलिएगा। सो आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू, ओके। नाउ अगेन आई शैल बी, अगेन आई शैल बी मैनेज ऑल दिस, आई शैल बी टू मैनेज ऑल दिस, ओके। अगेन आपको ये यहां पर आपका शैल का आपका यूज होगा आपका। नाउ नंबर एट सेंटेंस, नंबर एट सेंटेंस देखिए, दे टू लिव फॉर द स्टेशन, दे टू लिव फॉर द स्टेशन, इसमें क्या होगा आपका आर होगा या मे होगा, यहां पर क्लियर कीजिए आपका ध्यान से बच्चों से। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है जो सीबीएसई में पढ़ रहे हो चाहे बिहार बोर्ड में, कि बच्चों ध्यान से समझिएगा कि मॉडल वर्ब जब भी आता है, मॉडल वर्ब अपने बाद वर्ब का पहला रूप लेता है, पहले टू नहीं आता, इस बात का ध्यान रखिएगा। मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्ट वी वन आएगा, बीच में टू आएगा तो वो गलत होगा, ध्यान समझिएगा। लेकिन बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पर टू प्लस वी वन दिया हुआ है, जब देख रहे हैं कि टू प्लस वी वन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है मॉडल वर्ब तो होगा ही। एलिमिनेट आंसर को एलिमिनेट करना सीखिए, जब आंसर कंफ्यूज है नहीं पता चल रहा है तो आंसर को एलिमिनेट भी करना सीखिए, एलिमिनेशन के, एलिमिनेशन के मेथड से आप लोग सॉल्व कीजिए। आप लोग देखिए इतना तो रूल आपको लोगों को बेसिक रखना पड़ेगा कि मॉडल वर्ब पर वी वन आता है और जैसे ही देख रहे हैं कि यहाँ पर टू लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है मॉडल वर्ब होगा नहीं, तो क्या होगा आपका, दे आर टू लिव फ्यूचर आपका शो कर रहा है, एकदम दे आर टू लिव फॉर द स्टेशन, आप लोग स्टेशन के लिए निकलने वाले हैं। और एक चीज ध्यान समझेगा, एग्जामिनेशन में आपका इरिटेशन आप लोगों का प्रॉब्लम दिया जा सकता है, लिव के साथ हमेशा फोर प्रीपोजिशन लगता है, इस बात को इंपॉर्टेंट नोटिस रखिएगा, लिव के साथ हमेशा फोर, नहीं तो लिव के साथ आपको टू प्रीपोजिशन लगा के आपको दे दिया जाएगा, आपको आप कंफ्यूज कर जाइएगा। लिव अपने हमेशा अपने बाद फोर प्रीपोजिशन लेता है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे उसको मैं पॉइंट आउट मैं कर दूंगा, मैं आपको All of you, all of you, all of you be punished, all of you be punished by your master. आप लोग सभी अपने मास्टर के द्वारा आप लोग पनिश्ड आपको आप लोग किए जाएंगे। ये बताइए ये इसमें से कुछ शो कर रहा है क्या, ये कोई धमकी है क्या, ये टीचर के द्वारा पनिशमेंट की बात की जा रही है। किसके द्वारा पनिशमेंट की बात की जा रही है, टीचर के द्वारा पनिशमेंट की बात की जा रही है, ना तो ये प्रॉमिस है, ना तो ये धमकी है, ना ये कमांड है, ना ये डिटरमिनेशन है। जब कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सेल लगेगा नहीं, जब सेल नहीं लगेगा तो आपका क्या लगेगा, आपका विल आपका लगेगा आपका। क्लियर हो गई बात, समझ में आई, उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गए होंगे बातें। नेक्स्ट आइए नंबर टेन, वेरी प्लीज, आई वेरी प्लीज टू सी यू। तो देखिए ध्यान समझिए, आप लोगों को बेसिक रूल पता है कि मॉडल वर्ब पर वी वन आता है, देखिए कि यहाँ पर कहीं वी वन नहीं है, जब कहीं वी वन नहीं है तो मॉडल वर्ब आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आपका लगेगा आपका। उम्मीद करते हैं कि ये सारा सेट आपको समझ में आया होगा, फिर से हम लोग अगले सेट हम लोग की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे हम लोग।